अलीगढ़ प्रदर्शनी में 28 फरवरी 2023 को ये मैच टूर्नामेंट चल रहा है, ये कैरम का हर साल की तरह इस साल भी टूर्नामेंट चल रहा है। काफ़ी तादाद में बोर्ड पड़े हुए हैं और शायकीन भी इस इंडोर गेम्स कैरम का मज़ा लूटते हुए अलीगढ़ के नायाब खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, अपने जलवा दिखा रहे हैं। यहाँ कल्लू उस्ताद जो कि अलीगढ़ के माने जाने कैरम के प्लेयर रह चुके हैं, एक मैच इधर भी, दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा करते हुए। एक मैच और यहाँ अलीगढ़ के जाने पहचाने प्लेयर्स दोनों खेल, जहीन साहब जो कि शकील कैरम क्लब की तरफ से खेलते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैच शुमार किया जाता है। एक मैच और यहाँ स्टार्ट होने वाला है जो कि शकील कैरम क्लब की तरफ से अरशद खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स में उनका शुमार किया जाता है। फैज़ान कैरम क्लब की तरफ से फैज़ान साहब और ये इस तरफ अरशद जो कि शकील कैरम क्लब की तरफ से खेलते हुए। एक मैच हो ये बोर्ड नंबर 7 जिस पर के अलीगढ़ के दो यंग प्लेयर्स आपस में खेलते हुए। यहाँ कैरम्स के प्लेयर्स जो आपस में खेल रहे हैं, जीत और हार के बाद इनको ये मेडल्स वगैरह दिए जाएंगे। आइए इस सिलसिले में जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं जो उनसे बात करते हैं। ये मैरुद्दीन साहब, ये हर साल की तरह इस साल भी ये कैरम टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है क्योंकि ये प्रशासन हर साल कराता है और 5-6 साल से तो चल ही रहे हैं ये टूर्नामेंट और इस साल भी चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जिला महोदय जिलाधिकारी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे पोषण सर जी निर्वाचन अधिकारी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनसे हमने ये अपील की थी, मंच दिया है, हमने उनसे प्रार्थना करी थी। हर साल की तरह इस साल भी हमने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और सभी लोगों का सहयोग है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन हमारे मुजाहिद अला असलम साहब संयोजक हैं, मैं भी संयोजक हूँ और भी क्लब के तमाम सब लोग संयोजक हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्यार मोहब्बत वाला खेल का मुजाहरा यहाँ हो रहा है। कितने अब तक कितने जो क्लब्स हैं यहाँ उनके प्लेयर्स ने अभी तक जहाँ इसमें पार्टिसिपेट्स किया है बताइए ज़रा सा। इसमें 8 क्लब ने से लेकर 10 क्लब तक ने पार्टिसिपेट किया है, जहाँ से बेहतरीन अपने अपने क्लब के जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं उन्होंने वो उनको इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ कल्लू उस्ताद भी हैं जो कि अलीगढ़ के माने जाने हस्ती करम की हस्ती रहे हैं और अब तो वो बुज़ुर्ग हो गए हैं लेकिन फिर भी वो देखने आए हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई करने आए हैं। हम उनका भी दिल से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। और ये इस वक्त ये आपको कितने कितने लोग खेल रहे हैं इस वक्त? इसमें 32 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 32 का वो प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पर। आइए मुजाहिद असलम साहब से भी कुछ पूछते हैं सवाल। मुजाहिद साहब, ये हर साल की तरह इस साल भी ये टूर्नामेंट चल रहा है आपकी देख देख में और शासन प्रशासन की तरफ से ये हर साल कराए जा रहे हैं और ये इंडोर गेम्स के अंदर यही एक खेल ऐसा है जो नमाज प्रदर्शनी में किया जाता है और आपकी देख देख में किया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इंडोर गेम टेबल टेनिस ही होता है। अच्छा, और रही बात ये कैरम का जो टूर्नामेंट है, ये श्री कौशल कुमार जी निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा तवज्जो दी और इसको इस मैच को कराया क्योंकि खेल अलीगढ़ शहर में बिल्कुल गुमनाम है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा जो कैरम के क्लब चला रहे हैं, कैरम के अपने उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अलीगढ़ में प्लेयर दिए और नेशनल प्लेयर अलीगढ़ को दिए, लेकिन एक अलीगढ़ में ये कैरम का खेल बिल्कुल गुमनाम सा था। ये लोग मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने कुछ कहा क्योंकि मुझे भी कैरम का शौक़ है, शाम को अपने कारोबार से फारिग होने के बाद बैठ जाता हूँ। मैंने कोशिश की और प्रशासन ने इसको समझा और
यहाँ तक इस गेम को मैं लेकर आया हूँ। मैं 4 साल से इस गेम को करा रहे हैं, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। कौशल कुमार जी भी यहाँ अभी उपस्थित थे और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया के भाइयों का साथ रहा तो अगली बार हम इसमें या तो मंडल कराएंगे या स्टेट कराएंगे। कोशिश रहेगी, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमें मंडल कराने के लिए अनुमति दी जाए। अगर मंडल सफल होता है तो फिर स्टेट की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।